वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन पहाड़ी स्टाइल। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ इंस्टेंट बनने वाला केक। अगर बच्चों की डिमांड आ जाए और आपको केक बनाना पड़े तो आप उस टाइम पे क्या करें। तो यहाँ पे मैंने 4 पैकेट ओरियो के ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैं ओरियो बिस्किट ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद है। तो सबसे पहले हम जो केक का टिन है उसको ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है, इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है मैंने। और बटर पेपर अगर आपके पास ना हो तो आप कोई सा प्लेन पेपर ले सकते हैं और उसको अपने केक टिन के साइज़ का काटने के बाद उसको उसके अंदर लगा करके और उसके बाद उसको फिर से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। तो चलिए अब हम जो ओरियो बिस्किट हमने जो निकाल के रखे थे उनको मैं ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैं जो इस बिस्किट का जो उसके अंदर ये बटर लगा हुआ है, क्रीम जिसको बोलते हैं, उसे मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं करनी है। तो इसका मैं ऐसे ही फाइन पाउडर बना लूंगी और उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में और विस्कर या फिर किसी भी स्पैचुला की हेल्प से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका जो पाउडर है वो आपको कितना बारीक रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है 1 कप दूध, रूम टेम्परेचर का ही दूध आपको लेना है और धीरे धीरे आपको इसको मिक्स करते हुए चलना है। तो आपको जो इसका बैटर है वो ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे इनो। तो इनो मैंने यहाँ पे लेमन फ्लेवर का लिया है, आपको कोई और नहीं लेना है नहीं तो फिर उसका जो फ्लेवर है वो केक में आ जाएगा, प्लेन ही लें। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको फटाफट से केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना हाथ थोड़ा जल्दी चलाना है, देर नहीं करनी है। और मैंने 10 मिनट के लिए कुकर में नमक डाल कर के रख दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक जाली लूँगी या फिर कोई भी स्टैंड आपके पास है उसे रखिए और उसके ऊपर आपने जो है अपना जो केक का टिन है वो रखना है। और साथ ही आपने कुकर का ढक्कन बंद करने से पहले उसकी जो गैस्केट है और कुकर की सीटी है वो निकाल देनी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो चलिए आधे घंटे के बाद चाकू की हेल्प से इसको चेक करते हैं कि ये बन करके हुआ है तैयार या नहीं। तो केक जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी ढक्कन लगा के। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने डेरी मिल्क चॉकलेट ली है, हम इसको गनाश बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो उससे पहले जो हमारा केक है वो ठंडा हो चुका है, उसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बटर पेपर इसका रिमूव कर लेते हैं। तो गनाश भी जो है मैंने इसको मेल्ट कर लिया था ओवन में 1 मिनट के लिए। तो ये हमारा जो है गनाश ये रेडी है। अब आप इसको केक के ऊपर डालिए अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मैं इसको बच्चों के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं आपको कुछ भी डेकोरेट करके नहीं दिखा रही हूँ। आपको जैसा भी शेप, कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद है, आप उस तरीके से इसको डेकोरेट कीजिए और बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए केक की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसको अब मैं अपने बच्चों को देती हूँ और देखते हैं उनका रिएक्शन, बहुत खुश हुए वो उसे देख करके। और बस आप भी बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।